नौजवान हैरिस हॉक के सामने एक दिक्कत है। इसके शिकार के पास यहाँ छुपने की बहुत सारी जगहें हैं। इससे हैरिस हॉक्स मजबूरन ऐसी तरकीब से शिकार करते हैं जैसे और कोई बर्ड नहीं करती, आपस में तालमेल से। और अब सूरज ढल रहा है, हमला बोलने लायक ठंडक तो हो गई है। फैमिली में सबसे कम उम्र का होने की वजह से इसका काम है रैबिट को बाहर खुले में निकाल लाना। इसकी मां ऊपर से शिकार का तालमेल बिठाती है, बाकी फैमिली अपनी अपनी पोजीशंस लेकर पीछा करने को तैयार रहती हैं। डाइव शिकार की शुरुआत का इशारा है। तीन पीछा करने वाले खेल में उतरते हैं। ताव चूकने पर एक और पीछा करने वाला कमान संभालता है। आखिरकार नौजवान की बारी आती है। एक सेकंड में चार बार अपने पंख फड़फड़ाकर वो 48 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा की रफ्तार पकड़ता है। एक टीम की तरह काम करते हुए हॉक्स कामयाबी के अपने आसार दुगने से ज्यादा कर लेते हैं। ऐसे डेजर्ट में जहां छुपने की ढेरों जगह हैं, शिकार की यह स्ट्रैटेजी समझदारी भरी है। सोनोरन यूनाइटेड स्टेट्स का एक ऐसा डेजर्ट है जहां तरह तरह की चीजें दिखती हैं, लेकिन इसमें जान फूंकने वाले मानसूनी तूफान मॉन्स्टर्स भी पैदा करते हैं।